जो इन्होंने कहा कि प्लीज़ इसको ईगो मत समझिएगा, तो इस पे मेरा ऐड करना है, समझें भी तो क्या, समझें भी तो क्या, कौन किसको क्या समझेगा, हु इज़ देयर टू अंडरस्टैंड वॉट। तो पहले तो यही बात, तो जब ये समझ लिया कि कौन किसको क्या समझेगा, तो वो चीज़ आएगी वननेस। ज्ञान अनंत है, जितनी बातें आपने लिख दी सब बिल्कुल बेहतर हैं, इनके आगे क्या, इनके आगे कुछ भी नहीं, दैट्स ऑल। इसको ही अगर आप जीने लगते हैं, मुख्य चीज़ है जीने लगना किसी चीज़ को, और टीचिंग के बीच में कन्फ्यूजन नहीं लाना, टीचिंग जो होती है उसको प्योर बनाए रखना। अब जैसे कि हम जब बिना रियलाइजेशन के टीचिंग को डालते हैं ना, तो हम गड्ढमट कर लेते हैं। आप जब मुझको गौर से सुनेंगे, तो मैंने अनयूजुअल वर्ड जानबूझ के जोड़ा है, एक जैसा लगते हुए भी ये सब बिल्कुल अलग अलग है। जब मैं कहता हूँ आई, आई को हमको फिलोसोफाइज नहीं करना है, एक कॉमन आई है, लेकिन जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो वी ऑलवेज इंटरैक्ट थ्रू दिस सेपरेट आई, देयर इज दिस सेपरेट आई, दैट्स वाई दिस इंटरेक्शन इज हैपनिंग, अदरवाइज देयर इज नो वे। तो इसको कन्फ्यूज नहीं करना है, ये यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी के पर्पस से ये डिज़ाइंड है, और इसमें कोई भी ना कमतरी है ना ज़्यादा है, कुछ इसमें इन्फीरियर सुपीरियर नहीं है। ईगो को मैंने हमेशा बहुत क्लियरली डिफाइन किया है, मैं समझता हूँ जो भी सीकर मुझे सुनते हैं उनको कोई भी कन्फ्यूजन ईगो को लेकर नहीं है। ईगो के हमेशा दो पार्ट हैं, फंक्शनल फिक्शनल। फिक्शनल है सारी स्टोरी, इंक्लूडिंग दिस स्पिरिचुअल स्टफ, दैट इज ऑल्सो फिक्शनल ईगो। फंक्शनल ईगो काम चलता है, काम चलता है तो एक सर्टेन काइंड का सेपरेशन नीडेड है, एक अलगाव नेचर की है अपनी। कोई बड़े से बड़ा अवतार, बुद्ध, कोई गुरु, कुछ कोई भी हो, वो एक निश्चित तौर से सेपरेट होता है, अलग होता है, तभी तो बात करता है, नहीं तो कैसे बात करेगा। अब अगर खेमानी बुलाया जाए तो यहाँ से सारे लोग नहीं बोल देंगे, आप ही बोलेंगे। अनंत श्री की आवाज़ अगर कोई देगा तो मैं ही रिस्पॉन्स करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैंक बैठा रहूँगा फिर देखूँगा उधर से इधर से कौन बोल देता है। इस तरह से वननेस नहीं है। फंक्शनल यूटिलिटी के लिए हम सब सेपरेट हैं, डीप डाउन सब एक है, दैट इज रियलाइजेशन की डीप डाउन, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। फिर एक और इल्यूजन आम तौर से जो स्पिरिचुअल सर्कल होते हैं उनमें डाला जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम ये बॉडी माइंड नहीं हैं, हम चेतना हैं, हम आत्मा हैं, और हम इसको देखते हैं कि हाँ हम शरीर नहीं, हम चेतना नहीं। अच्छा लगता है कहने के लिए, भी कहा जाता है कि हमारे शरीर में चेतना नहीं है, चेतना में हमारा शरीर है, आवर बॉडी इज नॉट इन स्पिरिट, तो स्पिरिट के अंदर बॉडी, मतलब दैट्स ऑल, स्टेप बहुत सारा है, लेकिन हम इसको भी कंफ्यूज क्यों करें। वी आर बॉडी माइंड, एवरीबॉडी इज बॉडी माइंड, शरीर के बिना कुछ भी जानना संभव है ही नहीं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, तो एक थोड़ी सी अल्टर्ड स्टेट तो डेवलप होती है कि जो अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है, हम वो चेतना होंगे, आत्मा होंगे या परमात्मा जो भी होंगे, लेकिन फिर हम शरीर और मन की उपेक्षा भी करने लग सकते हैं, हम उसका ख्याल भी नहीं रख सकते हैं और उसका बेस्ट यूज भी नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो जैसे कि बात मैं हमेशा कहता हूँ, सुबह के सेशन में भी कही थी कि देयर इज़ ओनली वन कॉन्शियसनेस, उसी कॉन्शियसनेस के मैनिफेस्टेशन से सब बना है, अलग अलग शरीर मन, अलग अलग चीज़ें सब बनी हैं, ठीक है। तो ये भी बना, वो भी बना, वो भी बना, सब बने, तो इस रियलिटी को बस हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आई एम बॉडी माइंड,
वेयर इज़ द प्रॉब्लम। और इसी पे खड़े होके तो हम उस कॉन्शियसनेस को, उस स्पिरिट को, उस कॉन्शियस जो भी कहें हम वर्ल्ड है उसको रियलाइज करते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन डालने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा नहीं है। और रियलाइजेशन जब आएगा तो इतनी क्लैरिटी के साथ आता है, इतनी क्लैरिटी के साथ आता है कि हम ठीक गलत की परवाह भी नहीं करते। हमको ठीक गलत जानने की कोई इच्छा ही नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है। जैसे कि इसको उदाहरण से मैं समझाऊं, विवेकानंद जी के साथ एक बार ऐसा ही हादसा हुआ, मुझे प्रिय है वो उनका इंसिडेंट। हादसा वर्ड इसलिए मुँह से निकला क्योंकि बेसिकली वो हादसा ही था। जैसे कुछ कहते हैं कार्य और कुछ कहते हैं करतूत, जैसे कोई हर चीज़ को कार्य नहीं कहते हैं कि भई एक तुमने अच्छा काम किया है, फिर किसी के लिए कहेंगे ये तुमने अच्छी करतूत करी है। वर्ड्स एक ही हैं और उनका टोन बदल जाती है। तो ऐसे ही हादसा ये हुआ कि एक बार वो बंगाल में आप जानते ही होंगे एक बार अकाल का टाइम था या थोड़ा उस तरह का कुछ सिनेरियो था आई थिंक। तो खाने की कुछ दिक्कतें थीं ऐसे किसी एरिया में वो थे। तो कुछ वेदांती या द्वैतवादी लोगों के पास उनका जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि किस बात की चिंता करते हैं, कौन मर रहा है, कौन भूखा है, हम शरीर नहीं हैं, कौन शरीर है, शरीर की चिंता आप करते हैं, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, शरीर की चिंता करते हैं, शरीर तो नश्वर है। अब कुछ लोगों को भूख लगी है, उनके लिए वो कह रहे हैं कि भोजन का इंतजाम हो जाए, और जो ब्रह्मज्ञानी वेदांती दो तीन लोग थे वो समझा रहे हैं कि आप नश्वर की चिंता क्यों कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने वहीं एक डंडा पड़ा था उठाया, दो चार डंडे उनको लगाए तो वो चिल्लाने लगे। तो उन्होंने कहा कि चिंता क्यों करते हैं, रोते क्यों, नश्वर के लिए क्यों रोते हैं, जो शाश्वत है उस पर तो डंडा पड़ ही नहीं रहा है ना, डंडा तो नश्वर पे ही पड़ रहा है तो नश्वर के लिए क्यों परेशान है। तो शरीर मन की जो अहमियत है उसको हमको इस तरह से कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बहुत शैडो कर लें तो हम बिल्कुल उसको इग्नोर कर दें। शरीर इम्पॉर्टेंट है, वही एकमात्र टूल है हमारे पास, वही एकमात्र उपकरण है जिस पर खड़े होकर हम ये सब जानते हैं। उसी उपकरण के साथ आप यहाँ आए हैं, उसी उपकरण की वजह से हम लोग बैठे हैं, उसी टूल की वजह से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टूल जो इतना ब्यूटीफुल, इंट्रिकेट, मैग्निफिसेंट, इतना मिस्टीरियस है, उसका हम लोग रिस्पेक्ट करें, उसका ऑनर करें, और वो ऑनर ही उस कॉन्शियसनेस का ऑनर होगा क्योंकि वो कॉन्शियसनेस इसी फॉर्म में निकल के हमारे पास आई। अगर हम किसी से कहें वही बात हो जाती, फिर मैं उसको इतना सिंप्लीफाइड करके लोगों के सामने रख चुका हूँ कि आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, लगेगा हाँ ये तो बड़ा ईजी है। आत्मा का अनुभव, जो कह भी रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा की शैडो हूँ, तो उसे पूछे कौन सी आत्मा, किसकी शैडो है, वो कंगारू की शैडो हो जाती है फिर। वेयर इज़ दैट कंगारू जिसकी हम शैडो हैं। लेकिन नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ही जिसका, ऐसा थोड़ा ही है कुछ होगा जिसका ये शरीर शैडो है। लेकिन मैं कहता हूँ इस शैडो से ही जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एज अ लाइफ, दिस अलाइवनेस, दिस वार्म्थ, दैट इज़ कॉन्शियसनेस, दैट इज़ कंगारू, उसको पकड़ सकते हैं। इस लाइफ को, इस जीवन को, इस कॉन्शियसनेस को यू कैन टच इट, यू कैन होल्ड इट, एंड इट इज़ पॉसिबल थ्रू दिस बॉडी। सो कितना मिस्टीरियस है और कितना सिंपल है, कौन सी चेतना ऐसी थी जिसको हमने, यही तो विड्रॉ है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट यहीं का यहीं, और वो लाइफ विड्रॉ हो गई, लाइफ विड्रॉ हो गई, इंस्ट्रूमेंट वही का वही, अब हम उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। भाई देखिए डेड बॉडी को भी हम हाथ लगाते हैं, क्या फील होता है हमको, कुछ भी नहीं फील होता हमको। अगर अभी हम किसी अलाइव पर्सन को हाथ लगाते हैं तो जो हमको फील हो रहा है वही उस चेतना का अनुभव, सोर्स का अनुभव है, वही लाइफ का अनुभव, इतना इतना सिंपल है। तो उसकी शैडो कहें या हम कहें कि ये अपॉर्चुनिटी है बॉडी जिसके थ्रू हम उसको अनुभव करते हैं। अब उसमें कितने डेप्थ से चले जाएंगे, उस मैनिफेस्ट होती लाइफ में हम कितनी गहराई में चले जाएंगे, यही आगे का सारा जो सिनेरियो है वो है नहीं।